हे एवरी वन वेलकम टू जीनियस प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका दस साइड आज आपन इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट बढ़ार आहोत टुडे वी विल स्टडी इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री दिस इज़ वेरी ईजी चैप्टर अभी जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अरेंजमेंट सो ये इमेजेस देख के भी आप काफ़ी कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रॉस इमेजेस क्रिस क्रॉस है एंड लिंक्ड है ब्रांच्ड है चेन्स ओके दिस इज वेरी इजी चैप्टर सो so, आज हम लोग इसके इंपॉर्टेंस देखेंगे कि इसमें एग्जाम में क्या क्या आ सकता है एटलीस्ट इसमें ना फोर मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो फोर मार्क के लिए इसे पढ़ के हटाना है क्योंकि पास होने के लिए फोर मार्क बहुत कभी कभी जरूरी हो जाते हैं और टॉप करने के लिए भी फोर मार्क कभी कभी बहुत जरूरी होते हैं सो so, इसमें थर्मो पॉलीमर्स पूछा जा सकता है ओके okay? एंड थर्मोसेटिंग्स तो थर्मोप्लास्टिक अगर आप इमेजेस भी देखेंगे तो भी इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे एंड सेटिंग्स बिस्लरी की बॉटल्स तो सब लोग ने देखी होंगी वेरी कॉमन है तो ये आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं ओके एंड इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं और इसमें इम्पोर्टेंट आएगा अपने को ये नाइलॉन सिक्स सिक्स एंड नायलॉन सिक्स ओके नायलॉन सिक्स सिक्स है ना ये जो ये रिएक्शंस है इसे बहुत अच्छे से मग अप करना है राइट करके मग अप करो एंड नाइलॉन सिक्स भी तो ये दो रिएक्शंस है जिसे आपको लिख लिख के एकदम से समझना है अगर नहीं समझ में आ रहा है आप बहुत ईजी एक बार अटेंशन से करेंगे तो हो जाएगा एंड इसे मग अप करके जाओ और इसमें ना डिस्टिंग्विश भी पूछे जा सकते हैं आपको नायलॉन सिक्स के एंड सिक्स सिक्स के तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? दोनों की रिएक्शंस आपको अच्छे से टिप ऑफ द टंग होने ही चाहिए तो मेरा रिक्वेस्ट है इस चैप्टर में से कुछ करो या ना करो सिक्स एंड सिक्स सिक्स के अच्छे से रिएक्शंस राइट करके एकदम अच्छे से मगअप करके जाओ एंड ये समझने जैसा है आप वीडियोस देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा ओके नाउ लेट्स गेट फर्दर एंड इसमें से एम ही पूछे जा सकते हैं तो वो एक बार आप सुपरफिशियली भी देख लोगे क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है तो आपको ये समझ में आ जाएगा ओके okay? एंड uh, आप लोग का वैसे भी सेल्फ सेंटर ही होने वाला है सो ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस एंड ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑलरेडी दे रखे हैं आपने देखा है नहीं देखा है जस्ट टू नोटिफाई यू तो ये एक बार जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो ओके okay? और मन में ऐसे ठान के चलो कि मैं तो एग्ज़ाम भारी ही देने वाला हूँ या देने वाली हूँ और भारी ही दे के आऊँगी तो ये चार मार्क का जो है वो अच्छे से करके जाओ ओके ऑल द बेस्ट